जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री आदेश्वर जैन श्री संघ डुठारिया की आज्ञा से शाह चांदमल जी राजमल छाजेड़ परिवार द्वारा आयोजित गोड़वाड़ क्षेत्र की धर्म धरा पर छाजेड़ों की नगरी श्री डुठारिया मारवाड़ राजस्थान के पावन प्रांगण में आत्म यात्रा का शंखनाद मंगलमय चातुर्मास 2022 के पावन प्रसंग में खरतर गच्छाचार्य गुरुदेव श्री जिन मनोज्ञ सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि साधु साध्वी भगवंतों के लिए 9 जुलाई 2022 को आयोजित हुए भव्याति भव्य ऐतिहासिक चातुर्मास प्रवेश की मंगल झलकियां। इस शुभ कार्य के लिए सबसे पहले पूज्य गुरुदेव सहित भक्तों ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए। तत्पश्चात भक्त चल पड़ते हैं पूज्य गुरु भगवंत को अपनी नगरिया में लाने के लिए। मंगल जयकारों के बीच महान आगम ज्ञानी जैन संत शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए जा रहे थे। मेरी कुटिया में, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो, नमन स्वीकारो। ये रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल वर्षावास हेतु अपनी नगरी में ले जा रहे थे। जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। चेहरे पर अपनी वही सहज मुस्कान और शांत भाव लिए पूज्य गुरुदेव भक्तों के दल के साथ मार्ग में बढ़ते जा रहे थे। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूलि को शीश पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। चतुर्विध संघ के मुंह मीठा करने का पूरा लाभ और आज के कार्यक्रमों का। गुरुदेव की ये शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया। बंधु सखा तुम पाकर तुमको लागी यही धुन नैया को आने उबारो स्वीकारो। मार्ग में पूज्य गुरुदेव ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए। कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर पूज्य गुरुवर्य का भव्य स्वागत किया गया।
पूज्य गुरुवर के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर को नमन किया। इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। आया है प्रवेश उत्सव, आया है चरण कर सजाया है प्रवेश उत्सव, आया है गुरु चरण पड़े देखो। श्रेष्ठी गण द्वारा सभा को संबोधित किया गया। हम उदयपुर में गुरुदेव के पास गए और उन्होंने हमारी विनंती को स्वीकार करके गुरुदेव का चतुर्मास का लाभ दुटारिया संघ को दिया। कार्यक्रम श्रृंखला शुरू करते हुए पूज्य साधु वृंद के श्रीमुख से मंगलमय उद्बोधन दिया गया। तत्पश्चात भक्तों द्वारा मधुर भजन आदि गाए गए। जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा परूपित जिन शासन पूर्ण अहिंसा और सत्य पर आधारित जिनेश्वर धर्म परमात्मा द्वारा परूपित जो जैन धर्म की व्यवस्था है उसे जिन शासन कहा जाता है। अरिहंत परमात्मा ने भव्य जीवों के कल्याण के लिए, अनेक जीवों के कल्याण के लिए जिन शासन की व्यवस्था बताई है उसी व्यवस्था के अंतर्गत यह चातुर्मास की शुभ वेला डुठारिया श्री संघ के प्रांगण में, आंगन में आ बरसा है। इस बीच श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंगल उद्बोधन दिया गया। तत्पश्चात मधुर भजन प्रस्तुतियों का क्रम जारी रहा। आज गुरुदेव पधारे हैं, डुठारिया नगरी पावन, सौम्य सुंदर मन भावन। गुरु बारा साहब से आज से 25 से 27 साल पहले मिला था मैं, तब से मेरा इनके साथ परिचय है और इनके ऊपर मेरी असीम कृपा रही कि जहां पे भी इनका चातुर्मास या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता तो मुझे जरूर याद करते थे। शासन की ताली अनुपम कैसी महानी है, शासन की ताली अनुपम कैसी महानी है, करुणा निदान रूपी देवो समान। इस क्रम में आगे पूज्य गुरुदेव की मंगल तस्वीर का विमोचन किया गया। मंगल प्रवेशी है खुशियां लाया है, रंग फिजा में भक्ति का छाया, रंग फिजा में। कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ा और इस श्रृंखला में पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कई प्रकार के मंगलमय कार्यक्रम समर्पित किए गए। साथ ही पूज्य साध्वी जी एवं श्रेष्ठी गणों के मंगल उद्बोधन हुए। आज का मंगलमय प्रभात अपने साथ खुशियों का खजाना, प्रसन्नता का अपूर्व प्रेजेंट, उत्साह का अनोखा रंग एवं चातुर्मास प्रवेश का प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ है। जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि दुटारिया श्री संघ ने खुली आंखों से बंद आंखों से स्वप्न साकार होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन दुटारिया श्री संघ ने खुली आंखों से एक स्वप्न देखा था कि कब गुरु भगवान साध्वी जी भगवंत के साथ हमारी दुटारिया नगर को पावन करेंगे, कब चातुर्मास हेतु उनका शुभागमन होगा। और देखते ही देखते उनके मन में समाया हुआ स्वप्न पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। वर्षावास की मंगल घड़ियां दे रही पैगाम हमें, वर्षावास की मंगल घड़ियां दे रही पैगाम हमें, जिंदगी के कुछ पल, जिंदगी के कुछ पल करना है धर्म के नाम हमें। लगभग 11 साल चतुर्मास में ज्यादा नजदीकाने के पूज्य गुरुदेव से सतत प्रेरणा मिली और हमारी भावना को बल मिला, फल स्वरूप आज हमारे गुरु गृह नगर थोब में एक सुंदर नए नृत्य जिनालिया
पुण्यार्थ की ओर अग्रसर है, बस इंतजार है गुरुदेव के इशारों का, गुरुदेव के आने का। आज इस पाषण पर्व हम गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं, श्री गुरुदेव आप हमें इस मंदिर की। मैं अपनी पूरे परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में यह विनती करता हूँ कि ये गुरुदेव जिस प्रकार आज तक आपने हमारे पर कृपा बरसाई है, आगे भी इस प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना। और फिर पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए डूठारिया श्री संघ ने, और बड़ी उम्मीदें लेकर के ये चातुर्मास के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए हैं। और इस संघ की भावनाओं का एक परिणाम देखो आप, कल इस टाइम तो बादल गरज रहे थे और ऐसा लगता था कि कार्यक्रम कैसे और किस तरह से संपन्न करवाया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा टेंट में और इधर नीम के छाये में और स्कूल के प्रांगण में बड़ा कार्यक्रम को सुंदर रूप बना करके और डूठारिया वालों ने अपनी भावनाओं को साकार और आकार रूप दे दिए। गोड़वाड़ की धरती है और गोड़वाड़ में कई सूरवीर हुए हैं, और अपने सबको मालूम है कि गोड़वाड़ की धरती में कई तीर्थ भूमि है जो अपने आप में जैन शासन की गरिमा और महिमा की महत्व बताते हैं। रणकपुर गोड़वाड़ में, मुछाला महावीर घोड़वाड़ में, नाना बेड़ा और भी कई तीर्थ जो है वो कौन सी धरती में है, कौन से क्षेत्र में है, घोड़वाड़ में। दानवीरों का भी क्षेत्र रहा है, कर्मवीरों का भी रहा है, और त्यागी साधु संतों की भी आचार्यों की भी भूमि घोड़वाड़ रही है, और घोड़वाड़ और मारवाड़ दोनों भाई है। मेरे लगभग 49 साल की दीक्षा पर्याय में ये घोड़वाड़ क्षेत्र में मेरा पहला चतुर्मास हो रहा है, और ये चतुर्मास मेरे लिए परीक्षा का भी है और मेरे लिए प्रसन्नता का भी है, गर्व का भी है। प्रसन्नता ये है कि ये छाजेड़ों की नगरी है और संजोग से मेरा संसारी गोत्र छाजेड़ है, ये सबको पता है। यहां दादा गुरुदेव की दादाबाड़ी है जो लगभग 65 साल से ऊपर प्राचीन है। अब ये चातुर्मास गुरुदेव ने मुझे बुलाया है, वो मेरे छाजेड़ भाइयों को वापस जगा करके और वापस घर के रास्ता में लाने के लिए चातुर्मास। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अंजन शलाका प्रतिष्ठा मुहूर्त पत्रिका का विमोचन किया गया। भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को कामली भेंट की। तेरी कृपा को गुरुवर आज हम तो पा गए, स्वामी वासल का देखो लाभ कमाया है, स्वामी वासल का। पूज्य गुरुदेव ने अपना मंगल आशीर्वाद भक्तों को प्रदान किया, साथ ही भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का मंगल पूजन आदि भी किया। कार्यक्रम समापन पर कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगलमय अभिनंदन किया गया। श्राविकाएं श्री संघ से श्राविकाएं तैयार हैं बहुमान के लिए। स्वागत की रस निभाएंगे हम। अरे मंगल तिलक लगा कर बहुमान करते हैं, अपनों की माला से बहुमान कराएंगे, तू ठारिया में आज हम ये त्योहार मनाएंगे।
उत्सव मना। जय जिनेन्द्र गुलाब साजेड रुठारे में साधु जी भवन का आचार्य जी और साधी जी महाराज साहेब जी का चातुर्मास प्रवेश, इसलिए बहुत बहुत खुशी का माहौल है। आप सब जना चतुर्मास में जुड़े और धर्म क्रिया में जुड़े। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं अशोक छाजेड़, गांव डुठारिया। आज हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि 62 साल से जो हमारा गांव सूखा पड़ा था चतुर्मास के लिए, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे छाजेड़ कुल के आचार्य भगवान, एक छाजेड़ कुल के रत्न हमारे को मिले हैं, और उनसे हमको बहुत सीखना है। इतने शांत स्वभाव, सरल भगवान आचार्य भगवान। और एक बात और मैं बताऊं कि हमारे गांव में जो पूरे संसार में आज एक कहीं ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको कि पूरे जैन परिवार एक ही गोत्र छाजेड़, कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं पर भी जाओ। और इस गांव की एक विशेषता और भी है कि दूसरे गोत्र के आगे यहाँ रह भी नहीं सकते। ये हमारे कुलदेवी का कुछ ऐसा आशीर्वाद है कि, और बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया है और उन्होंने को जाना पड़ा, मजबूर होकर जाना पड़ा। तो ऐसा हमारा गांव है। हमारा आपस में बहुत भाईचारा है, सब भाई भाई है। और हमारे आचार्य भगवान की 4 महीने चतुर्मास में बहुत कुछ को सीखना है और बहुत धर्म क्रिया करनी है। सब हमारे भाई बहनों को हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म क्रिया में जुड़े, आप सब भी पधारे। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र।